सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आप लोग थंबनेल को देखे ही होंगे कि एमबीबीएस एक ट्रैप के बारे में जो मैं बात करने जा रहा हूँ। स्पेशली ये चीज कोई भी डिस्कस करना नहीं चाहता है, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो कॉलेज वाले हो, चाहे इवन स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ से पास होके आ चुके हैं, वो भी ये चीजें डिस्कस नहीं करते हैं और जनरली सच्चाई क्या है वो नहीं बताते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में पर्टिकुलरली वही सारी चीजें बताने वाला हूँ जो कि आप कभी ना कहीं सुने होंगे, ना कोई रियलिटी आपको कोई कुछ बताता है। और मैं हूं डॉक्टर एहसान और मैंने एमबीबीएस किर्गिस्तान से किया था और फिर उसके बाद इंडिया में आने के बाद मैंने एफएमजी एग्जाम दिया जो कि एमसीआई एग्जाम है, वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो मैं इंडिया से लेकर के एब्रॉड तक जाने तक और वहां से फिर आकर के एफएमजी एग्जाम देने तक वो सारी जो समय जो मुझे लगा है और उसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो कि आमतौर पर स्टूडेंट से बताई नहीं जाती है, वो सारी एक चीज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। बेसिकली मैं इसमें टोटल 7 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपको सुनना और जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि और कोई आपको ये चीजें नहीं बताएगा, जो कि एक तरह से कहा जाए तो ये ट्रैप है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और अगर आपको ये वीडियो समझ में ना आए तो प्लीज करके इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखें ताकि आपको हर एक चीज, हर एक पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सारी चीजें आप एक बढ़िया से समझ लें और तभी आगे फर्दर अपना एडमिशन्स लें। क्योंकि देखिए, आप जब एमबीबीएस करने एब्रॉड जाते हो तो ये समय कोई 6 महीना और साल भर का नहीं है, ये समय एक बहुत ही ब्रॉड है और उसके लिए आपको एक सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। किसी के ऊपर भरोसा ऐसे ही ब्लाइंडली मत कीजिए, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे वो कॉलेज के एडमिशन्स जो कराते हैं वो हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे इवन जो भी स्टूडेंट वहां से ऑलरेडी पास होकर आ चुके हैं, उनके ऊपर भी ऐसे ही ब्लाइंडली भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में बहुत सारा आपका पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, आपका समय इन्वेस्ट होने वाला है, तो ऐसा ना हो कि फिर आगे चल के आपको पछताना पड़े। इसलिए बढ़िया है कि इसके बारे में बढ़िया से बात किया जाए और इसके बारे में समझा जाए कि क्या हमें एमबीबीएस अब्रॉड में जाकर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मेरा 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस में क्या ऐसा चीजें है जो मैं बताने जा रहा हूँ, क्या आपको वाकई में एमबीबीएस अब्रॉड में करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे मेरा इसमें पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चंस है वो है कॉलेज के बारे में। सबसे पहले क्या है कि कॉलेज किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, कुछ कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया हैं, शानदार हैं। जैसे कि आप रशिया में चले जाइए, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज का बढ़िया है, चाइना में चले जाइए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, या और भी जगहों पे जाइएगा तो कुछ कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, कुछ कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मल है। अगर आप ये कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए कि इंडिया के प्राइवेट कॉलेज हैं या इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज हैं, अगर उससे कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए तो वैसा आपको नहीं मिलेगा। बेसिकली जो किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है और यूक्रेन है और इवन रशिया के कुछ भी पार्ट्स हैं, जहाँ पे कॉलेज का स्ट्रक्चर आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े कैंपस वगैरह नहीं मिलेंगे। मैं एमबीबीएस किर्गिस्तान रिलेटेड बहुत सारा अपने चैनल पे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो सारी चीजें देख सकते हैं। उसमें रियलिटी में बताया हूँ कि कौन सा कॉलेज है, कहाँ पे है, कैसा है, सारी चीजें मैं उसमें डिस्कस किया हूँ। तो कॉलेज जो भी है, सभी कॉलेज में जो पढ़ाई होता है वो सेम होता है, चाहे आप रशिया में जाकर के 50 लाख में एमबीबीएस परचेस कर रहे हैं, चाहे आप किर्गिस्तान में जाकर के 20 लाख या 30 लाख में एमबीबीएस परचेस कर रहे हैं। आपको वहां पे जाने के बाद रियलिटी यही है कि आपको खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, कॉलेज आपको वो पढ़ाई नहीं करवाती है जिसकी वजह से आपका एग्जाम निकले, क्योंकि कॉलेज सबसे पहले कोई जिम्मेवारी नहीं लेती है, कोई आपको ऐसा चीजें नहीं पढ़ाती है जिसके वजह से हमारा रिजल्ट हो, हम एफएमजी पास कर जाएं। बेसिकली हर कंट्री का अलग अलग एक रूल है, अलग अलग सिस्टम है पढ़ाने का और हर कंट्री में अलग अलग अपना सिलेबस चलता है। मैं किर्गिस्तान से एमबीबीएस किया था तो मुझे इस ड्यूरेशन में अप्रोक्स बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़े थे जो कि एक तरह से कहा जाए तो जो कि यूजलेस थे और वो एक टाइम कंज्यूमिंग होता है। वो हम आगे भी इसके बारे में डिटेल बात करेंगे कि टाइम कंज्यूमिंग के ऊपर कि कितना इसमें टाइम ड्यूरेशन वगैरह लगता है। सेकेंड पॉइंट इस कॉलेज और इंफ्रास्ट्रक्चर में है कि ज्यादा से ज्यादा आप महंगा कॉलेज को चूज ना करें तो ही बेटर है।
महंगा कॉलेज जा करके आप क्या करिएगा। मान लीजिए अगर आप ये जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो कि किर्गिस्तान हुआ, उज्बेकिस्तान हुआ, रसिया हुआ, यूक्रेन हुआ या कजाकिस्तान हुआ, अगर इन जगहों में जा रहे हैं तो जितने भी ये जो कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी मत जाइए कि इस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसमें पढ़ाई बहुत बढ़िया हो रहा होगा, इसमें हॉस्पिटल्स प्रैक्टिस हो रहे हैं। बेसिक ये है कि हर कॉलेज का जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सब सेम है, सब पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं। आपको इंडियन ऑथराइज्ड बुक वहाँ पे नहीं चलती है, और अगर चलती भी है किसी कॉलेज में तो आपको सेल्फ पढ़ना पड़ता है, आपको सेल्फ उसके बारे में स्टडी करना पड़ता है। हाँ, हालांकि बहुत सारे कॉलेज में इंडियन फैकल्टी, इवन पाकिस्तानी फैकल्टीज वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि एक हद तक सही है और वो पढ़ाते भी है, लेकिन बेसिकली जो मेडिकल नॉलेज होना चाहिए, जो मेडिकल में पढ़ाई कराना जाना चाहिए, वो आपको 70% आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से पढ़ के आ रहे हैं कि नहीं पढ़ के आ रहे हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि एक सस्ता से सस्ता कॉलेज लीजिए, क्योंकि रिजल्ट जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। रिजल्ट से एक चीज याद आया कि हर कॉलेज आपको ये शो करता है वहां पे जाने के बाद कि मेरे यहाँ से मेरा पासिंग परसेंटेज जो FMG में है, जो इंडिया में MCI का एग्जाम है, वो बहुत ज्यादा हाई है। 90% बच्चे हमारे यहाँ से फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। इस पे हम आगे बात करेंगे, अगला पॉइंट में हम इस पे ऐड करेंगे कि पासिंग परसेंटेज भी इसमें कितना है या नहीं है। तो अगर हर कॉलेज आपको ये बता रहा है, हर कंसल्टेंट में जब आप एडमिशन कराने जाते हैं वो ये बताता है कि मेरे यहाँ से मान लीजिए 100 बच्चे गए और 100 बच्चे में से 50 बच्चे या 60 बच्चे या इवन 70 स्टूडेंट वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिए, सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है। अभी आप उतना मैच्योर नहीं हुए हैं, आपके अंदर उतना समझ नहीं है कि आप इन सब चीजों में आप बढ़िया से सोच पाए, क्योंकि एक से एकाले प्रो लेवल का यहाँ बेवकूफ बनाने वाले हैं। हर एक मोड़ पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है, हर एक मोड़ पर धंधा है, हर एक मोड़ पर पैसा कमाने का टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले ये जितने कोचिंग क्लास बोलते हैं या कॉलेज बोलती है कि हाँ हमारे यहाँ से जो पासिंग परसेंटेज है वो 90% है, ये सबसे पहला झूठ है, ये सच नहीं है। क्योंकि हर कॉलेज में मान लीजिए कि सबसे पहले हम बेसिक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि किर्गिस्तान में, तो किर्गिस्तान में हर कॉलेज में अप्रोक्स 1000 स्टूडेंट का बैच चलता है एक कॉलेज से, यानी कि एक कॉलेज में वन ईयर में वो पास आउट जो स्टूडेंट रेशियो है, डिग्री लेके आते हैं, वो अप्रोक्स 1000 के आसपास है। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए ISM, तो ISM का दो ब्रांच चलता है, चाहे उस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गया उसका भी दो ब्रांच चलता है, तो एक एकेडमिक में एक ड्यूरेशन में वो वहां से 1000 बच्चे वहां से डिग्री लेकर के वापस आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि सिर्फ पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात किया जाए, तो जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज में स्टूडेंट जाते हैं, रशिया जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, चाइना जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, नेपाल जाते हैं, तो अगर ये पूरा ओवरऑल स्टूडेंट की बात किया जाए जिसमें से अप्रोक्स 10,000 to 12,000 even 13,000 स्टूडेंट हर साल डिग्री लेकर के इंडिया में वापस आते हैं और फिर FMG का एग्जाम देते हैं, लेकिन जो FMG के एग्जाम का पासिंग परसेंटेज है वो अप्रोक्स 10-20% ही है। इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला झूठ यहाँ पे ये था कि कॉलेज और इंस्टीट्यूट वाले और इवन जो ये कंसल्टेंट है ये दावा करते हैं कि मेरे यहाँ से 80%, 90% इवन उससे भी ज्यादा पासिंग परसेंटेज है। सेकेंड इसमें स्टेप में हम बात करते हैं कॉलेज में, चलिए मान लीजिए हम एडमिशन ले लिए, अब क्या करें। एडमिशन ले लिए हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से वहां पे रहिए, अपने हिसाब से पढ़ाई कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जिस कॉलेज में गए हैं वो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर अच्छा नहीं है, वहां पढ़ाई अच्छा नहीं होता है, तो वो कॉलेज बेकार है, या ऐसा कुछ वहां पे नहीं है। सब कॉलेज का पढ़ाने का सिस्टम सेम है, सब जगह सिलेबस सेम ही चलता है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बड़े बड़े बिल्डिंगों पे मत जाइए जहां पे ज्यादा कॉस्ट आपका लगता हो, जितना से जितना सस्ता कॉलेज हो अगर अब्रॉड में जा रहे हैं वही चूज कीजिए, क्योंकि मान्य ये रखता है कि आप FMG पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप 60 लाख या 70 लाख का MBBS परचेस करके आ गए और अभी तक FMG नहीं निकला है, तो वो सारे के सारे जीरो के बराबर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। और अगर आप 10 से 15 लाख में MBBS करके आ गए, तो अगर आप FMG पास कर जाते हैं
तो उस डिग्री का वैलिड है और वो आपके लिए एक लायक है कि हाँ आपने पढ़ाई की नहीं की इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेन हमारा रिजल्ट होता है जो कि FMG एग्जाम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जितने बड़े कॉलेज हैं, जितने ज्यादा एडवांस्ड वहाँ पे टेक्नोलॉजी होगी, बढ़िया टीचर होंगे, तो वहाँ पढ़ाई भी ज्यादा होती होंगी, अच्छी होती होंगी, वहाँ से पासिंग परसेंटेज ज्यादा है। तो सबसे पहले ये आपका मिथ मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। हर कॉलेज में सेम ही होता है, मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर कॉलेज में सेम ही होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, कितना स्मार्ट और हार्ड वर्क कर रहे हैं, कब से आप पढ़ाई अपना स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं निकलता है, बहुत लोगों का एग्जाम निकलता है, बहुत लोगों का एग्जाम नहीं निकलता है, उसके ऊपर मैं एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो आप देखिए और समझिए कि मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल से समझाया हूँ कि असल में एग्जाम का जो पासिंग परसेंटेज है वो ज्यादा क्यों नहीं है, तो इस वीडियो में आपको देखने के बाद समझ में आएगा। सेकंड मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि कॉलेज के अंदर हमें जाने के बाद हम MBBS करने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। ब्रॉड सब्जेक्ट का मतलब, मैं जो किर्गिस्तान से MBBS करके आया था तो मैं अप्रोक्स 72 सब्जेक्ट्स पढ़ा था, यानी कि 72 सब्जेक्ट्स का मैं क्लास किया हूँ, 72 सब्जेक्ट्स का मैं एग्जाम दिया हूँ और सारी वो चीज किया हूँ जो कि नॉर्मल स्टूडेंट आमतौर पे MBBS अब्रॉड में जाकर के करते हैं। ये सबसे बड़ा आपके अंदर ये लग रहा होगा कि इतना करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो ये समझिए कि 6 साल के ड्यूरेशन में पहला साल आपको लैंग्वेज और एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स है 5-6 सब्जेक्ट्स मिला करके आपका 1 साल निकल जाता है। सेकेंड ईयर से बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट के ऊपर कि उनको इवन सेल्फ अपने ऊपर ध्यान देने के लिए टाइम नहीं बचता है। मौसम कैसा भी हो, ठंड हो, बरसात हो, स्नोफॉल वगैरह हो रहा हो, -20 डिग्री में टेम्परेचर हो, -30 डिग्री में टेम्परेचर हो, कॉलेज वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जब एक नया इन्वायरमेंट में जाइएगा वहां पे तो आपको वहां पे एडजस्ट करने में बहुत समय लगता है और वो चीजें कॉलेज वाले नहीं समझते हैं। इवन कुछ कॉलेज में तो वहां पे फाइन भी लगता है कि अगर आप क्लास करने नहीं जा रहे हैं तब, लेकिन कुछ कॉलेज में ऐसा नहीं है, कुछ कॉलेज में फाइन वगैरह नहीं लगता है। डिफरेंट कंट्रीज और डिफरेंट कॉलेज का अलग अलग नियम और कानून है। 72 जो सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत ही ज्यादा ब्रॉड हैं और ये इतना ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं, इतना ज्यादा स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट रहते हैं इसमें इसको करने में कि इवन सेल्फ स्टडी करने के लिए स्टूडेंट को टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके वजह से उनका सबसे बड़ा रीजन है कि एग्जाम्स नहीं निकलते हैं। हालांकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रूल्स चलते हैं, ये जितने मैं बताया हूँ 72 सब्जेक्ट्स, ये मोस्टली किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रसिया और यूक्रेन और कजाकिस्तान, इस 5 कंट्रीज के अंदर ये सारे सब्जेक्ट्स चलाई जाती है। हो सकता है 5-10 सब्जेक्ट्स आपको ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मोस्टली आप ये मान के चले कि 50+ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। अदर कंट्रीज जैसे है कि चाइना वगैरह है तो वहाँ इतने ज्यादा नहीं है, बांग्लादेश है तो वहाँ इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, लेकिन ये यूरोपियन कंट्रीज में इतना ज्यादा सब्जेक्ट्स होने के कारण स्टूडेंट को सेल्फ स्टडी करने का टाइम नहीं मिलता है और FMG की तैयारी करने के लिए भी टाइम नहीं मिलता है और अपने ऊपर भी इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है कि अपना खुद से ख्याल रख पाए। ये सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है वहां के लिए कि आप अगर MBBS अब्रॉड करने जा रहे हैं तो आप बहुत ही ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने वाले हैं, एक्स्ट्रा आप समय देने वाले हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं ही है। अब कुछ कॉलेजेस में आपको 5 ईयर का प्रोग्राम मिलेगा, इवन 6 ईयर का प्रोग्राम मिलेगा, लेकिन उसके अलावा NMC के जो न्यू अपडेट है उसके हिसाब से आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप भी करना है, यानी कि टोटल जो ड्यूरेशन है वो 5+1 हो गया या 6+1 हो गया, यानी कि या तो आप 6 ईयर करें इंटर्नशिप के साथ या 7 ईयर करें इंटर्नशिप के साथ। तो बेटर यही है कि आप कोशिश हमेशा करें कि 5 ईयर+1 ईयर इंटर्नशिप लेकर के ही कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा आपको महंगा ये पड़ सकता है जिस कॉलेज में अगर 2 ईयर का प्रोग्राम चल रहा हो, जैसे कि किर्गिस्तान के अंदर जो एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां से मैं ग्रेजुएट हुआ हूं, वहां अभी भी 2 ईयर का प्रोग्राम चलता है, तो वहां पे 6+1 है और 5+1 है। तो अगर इनकेस वैसा कोई और भी कंट्रीज में अगर जो प्रोग्राम चल रहा हो तो कोशिश करें कि 5+1 ही लेने के लिए, क्योंकि 1 साल बहुत माने रखता है और 1 साल लॉस आप हर जगह करते चलेंगे तो आपका MBBS कंप्लीट करने में 10-12-13 साल तक लग जाएगा, जो कि इंडिया में आपको 5.5 ईयर में MBBS कंप्लीट हो जा रहा है, वही अब्रॉड से आप 10 ईयर्स में MBBS कंप्लीट करेंगे।
तो ये सबसे बड़ा ज्यादा आपका टाइम कंज्यूमिंग करता है। इसीलिए कोशिश करें कि जितना कम ड्यूरेशन है, थोड़ा सा कॉस्टली होगा चलेगा, लेकिन कोशिश करिए कि जल्दी से जल्दी वहां से डिग्री लेकर के आने के लिए। आपका जो एक्सपेंसेस है वो तो उतना ही रहने वाला है, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि कॉलेज का जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा, जो फीस है वो बढ़ जाएगा, $1,000 या $1,500 इतना आसपास कॉलेज का फीस है, सिर्फ वही बढ़ेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है रहने का, खाने का, या इवन रूम वगैरह एकोमोडेशन के लिए, ये सारी चीजें सेम रहेंगी। इसीलिए कोशिश करिए कि 5+1 ही कोर्स ज्वाइन करने के लिए, उससे ज्यादा एक्सटेंड ना करें, तो वही बेटर है आपके लिए। थर्ड मेरा इसमें पॉइंट ये है कि आपको वहाँ पे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, सेल्फ आपको पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप MBBS के ड्यूरेशन में हैं, चाहे आप FMG की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपको FMG के एग्जाम देना है, कुछ भी कर रहे हैं, आपको सेल्फ करना पड़ेगा। कॉलेज इसमें आपको सपोर्ट नहीं करती है, कॉलेज को इससे कुछ मतलब नहीं है। वो अपना जनरली जो उनका क्लासेस है, जो उनका शेड्यूल है, वो फॉलो करती है। आपको स्पेशली FMG के लिए या ऐसा कोई भी कोचिंग क्लासेस के लिए कॉलेज वहाँ पे जिम्मेवार नहीं होती है, तो इस चीज को आप समझ लीजिए। बहुत सारे कंसल्टेंट, इवन बहुत सारे कॉलेज वाले, या आपको एडवर्टाइजमेंट पर बहुत जगह आपको ये सुनने को जरूर मिलेगा कि हमारे यहाँ कॉलेज में FMG की क्लास चलती है। तो सबसे पहला आपका मिथ ये क्लियर कर दूं कि अगर आपको वो ये बोल रहा है कि हमारे यहाँ कॉलेज में FMG की क्लास चलती है, FMG की कोचिंग चलती है, जो कि MCI की स्पेशली क्लास है। बहुत सारे लोग FMG शायद नहीं समझ रहे होंगे, FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन होता है, जो कि पहले MCI इसको कंडक्ट करती थी, बाद में ये NBE कंडक्ट कर रही है। तो वो एग्जाम जो हम इंडिया में आकर के वापस देते हैं, अगर इतना ही चीजें हैं, फिर वो चीजें कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, कॉलेज उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं लेता है, कॉलेज वो सारी चीजें क्यों नहीं पढ़ाता है अपने सिलेबस के अंदर, अपने क्लास के ड्यूरेशन के अंदर, कि एक्स्ट्रा हमें फिर से क्लासेस लेने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा हमें कोचिंग्स लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें बेवकूफ ये बनाया जाता है कॉलेज के अंदर कि हमारे कॉलेज से हाई रैंक होते हैं। वो हाई रैंक कॉलेज की वजह से नहीं होते हैं, वो हाई रैंक आपकी वजह से होते हैं। आप मेहनत करते हैं, आप स्ट्रगल करते हैं। और सेकेंड चीज ये है कि जो क्लासेस, जो फैकल्टीज इंडिया से जाती है एब्रॉड में, जो कि कोचिंग कराती है, जो कि स्पेशली FMG के लिए MCI के क्लासेस कराती है, वो जेन्युइन होता है और उसके वजह से रिजल्ट होता है। तो ये सबसे बड़ा कॉलेज ये दावा करती है कि हाँ, हमारे यहाँ पासिंग परसेंटेज ज्यादा है, हमारे यहाँ कोचिंग क्लासेस ज्यादा हैं। तो ये एक तरह से बेवकूफ ही बनाया जाता है हमें। फोर्थ मेरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि मनी एक्सपेंसेस के बारे में, मनी एक्सपेंसेस इनकेस अगर बात करूं, जब भी आप एडमिशन ले रहे होंगे, जब भी आप किसी कंसल्टेंट से बात करते हैं इंडिया में, तो उस वक्त आपको एक नॉर्मल रेंज बताता है कोई भी कंसल्टेंट कि हमारे लिस्ट में इतने कॉलेज है इस कंट्री के अंदर, ये सुपर कॉलेज है, ये बेस्ट कॉलेज है, ये लो बजट का कॉलेज है, ये हाई बजट का कॉलेज है। और लो बजट हाई बजट के वो डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करता है। बेसिकली वो जो आपको PDF या अपना स्ट्रक्चर्स जो भी वो अपना सप्लाई करता है, वो उसमें एक्चुअली सिर्फ कॉलेज का फीस ही रहता है। उसके अलावा कुछ कंसल्टेंट आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि जनरली आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के बारे में भी बात करते हैं। मैं इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, आपको समझ में आएगा कि आपको एक जनरल MBBS करने के लिए कितना अब्रॉड में आपको कॉस्ट आएगा, रियल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस क्या आएगा। आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं, आप एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, या डिस्क्रिप्शन में आप लिंक वगैरह चेक कर सकते हैं। जनरली अगर कोई भी ऐसा कॉलेज है जो कि मान लीजिए आप कहीं बात कर रहे हैं, अगर कोई कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसमें 15 से 20 लाख का अगर वो बजट आपको शो कर रहा है कि टोटल ड्यूरेशन 20 लाख का इस कॉलेज का है, तो वो आपका कॉस्ट 20 लाख नहीं जाने वाला है, वो आपका कॉस्ट 40+ जाने वाला है, 45 लाख तक जाने वाला है। क्योंकि इन सारी कंट्रीज में जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होती है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। कॉस्टली होने के साथ साथ आप वहाँ पे जो 6 साल समय गुजारने वाले हैं, वो सारी चीजें ले करके, फ्लाइट्स हो गए, आपको एकोमोडेशन हो गया, फ्लैट हो गया, वहाँ पे रहने के लिए हो गया, खाने के लिए हो गया, आपको शॉपिंग के लिए हो गया, पार्टीज, ये सारी चीजें ले करके जितना कॉलेज का फीस बताया जाता है उसका डबल से ज्यादा ही लगता है, उससे कम नहीं लगता है। तो आप सबसे पहले ये जरूर पता कर लें, आप सबसे पहले ये जरूर अपना बजट देख लें कि जो कॉलेज आप चूज कर रहे हैं, अगर वो कंसल्टेंट
सिर्फ कॉलेज का फीस फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स ईयर के फीस से बता रहा है कि 15 लाख 20 लाख 25 लाख, उसमें आप 15 से 20 लाख और रुपया एक्स्ट्रा जोड़ करके चलें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। इवन मैं अपने जब एकेडमिक में था तो वहाँ पे बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जो कि उन्हें बताया कुछ और गया था और उन्हें इन फ्यूचर जा करके बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ। तो हर कोई अमीर नहीं होता है, हर कोई मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली से ही वहाँ पे जाता है। तो बहुत कोई अपना ज़मीन बेच करके, कोई लोन ले करके, कोई कुछ कर करके वहाँ पे पहुँचता है। तो एक जो सच है, जो कि रियल एक्चुअल कॉस्ट है, अगर वो चीज़ें समझ में आ जाए तो पेरेंट्स को आसानी होती है उतना पैसा अरेंज करने में, पेरेंट्स को आसानी होती है वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करने में कि उनका बजट उतना है कि नहीं है, फिर उस हिसाब से वो अपना पैसा अरेंज करते हैं। लेकिन मान लीजिए बताया जाए आपको 15 लाख 20 लाख और वहां जाकर के 40 लाख लग जाए, तो मान लीजिए जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली से जो बिलोंग करते हैं वो फिर उतना पैसा कैसे मैनेज कर पाएंगे, फिर उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं फिर वापस आ जाएं तो जो ऑलरेडी आप दे चुके हैं फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में, वो आपका पैसा वापस नहीं मिलता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि अपना बजट जरूर एक बार जान लें, और इस पे मैं डिटेल वीडियो भी बना चुका हूं कि कौन सा कॉलेज पे क्या है, वो सारी वीडियो आपको ये वाले वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। बजट के हिसाब से जो चीज़ें हैं, अगर आप लो बजट का कॉलेज चूज कर रहे हैं तो जनरली आपको लो बजट का कॉलेज जो कि टोटल एक्सपेंसेस जिसमें आपको रहना खाना कॉलेज का फीस आना जाना जो कि फ्लाइट का कॉस्ट वगैरह सारा लेकर के अप्रॉक्स 32-35 लाख के आसपास एक मिनिमम जो कॉलेज है, जो लो बजट कॉलेज है, उतना है। लेकिन अगर वही आप एक नॉर्मल कॉलेज या थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉलेज जो कि जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, जिसका कॉस्ट ज्यादा है, अगर वो आप लेने जा रहे हैं तो वो आपको 35 लाख से लेके 45 लाख के रेंज में आएगा। इससे ज्यादा भी जा सकता है लेकिन इससे कम तो 100% नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैं जितना तक जानता हूं, मैं जितने लोगों से बात किया हूं अभी तक, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट आते हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनसे जब इन सब चीजों पे बात करता हूँ तो उनका बस यही कहना होता है कि मैं जब स्टार्टिंग में गया था तो उस वक्त मुझे कॉस्ट इतना बताई गई थी और मेरा लग इतना गया था। तो जो नॉर्मल कॉलेज है, जो हाई, थोड़ा सा हाई बजट कॉलेज है, उसका कॉस्ट आपको 35 लाख से 50 लाख तक भी जा सकता है। तो आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जो कि आप अगर चाइना वगैरह में जा रहे हैं, चाहे आप रशिया में जा रहे हैं, मेन रशिया में जा रहे हैं जो कि कैपिटल के आसपास है, उस जगह पे जो कॉलेज का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो वहां पे आपको इवन 50 लाख से ज्यादा भी लग सकता है। इवन बांग्लादेश में जा रहे हैं तो बांग्लादेश में भी आपका जो कॉस्ट है वो 50 लाख के आसपास जा सकता है। 40 लाख का भी कॉलेज है, 35 लाख का भी कॉलेज है, 50 लाख का भी कॉलेज है, 60 लाख का भी कॉलेज है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज में जा रहे हैं, किस कॉलेज में जा रहे हैं, कितना उसका एक्सपेंसेस है, ये सारी चीजें। नेक्स्ट इसमें जो एक्सपेंसेस आता है वो ये होता है कि एफएमजी के प्रिपरेशन के लिए हमें बहुत सारा ऐसा यहाँ पे खर्च देखने को मिलता है जो कि जनरली आपको 3 लाख से लेके 5 लाख रुपया तक लग सकता है। अब आप ये सोचते होंगे कि प्रिपरेशन करने में इतना पैसा कैसे लग सकता है, तो सबसे पहले प्रिपरेशन करने में, मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं वो जो कि 30,000, 40,000, even 50,000 के आसपास जाएगा। फिर एमबीबीएस करने के बाद जब आप इंडिया में आइएगा तो फिर कोचिंग क्लासेस लीजिएगा, कुछ कोचिंग क्लासेस के कॉस्ट कम है, कुछ के ज्यादा है, तो अप्रॉक्स 50,000 से लेकर 1 लाख के आसपास कोचिंग क्लासेस है, तो 1 लाख तो यहीं पे हो गया। उसके बाद से 6 महीना तक आप रहिएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिएगा, फ्लैट लीजिएगा, होस्ट यहाँ पे खाना खाइएगा। अगर इनकेस फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाता है तो ये सारी कॉस्ट आपको 1.5 लाख से 2 लाख में निपट जाता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता है, सेकंड अटेम्प्ट में निकलता है, तो कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो सारी कॉस्ट हैं, वो सारा आपका एमबीबीएस के ड्यूरेशन में ही आपको सारा लगने वाला है, क्योंकि उस वक्त तक आप नहीं पैसा कमाना स्टार्ट करिएगा या उस वक्त तक आप पैसा नहीं कमाइएगा जब तक आप एफएमजी सही से पास नहीं कर लेते, तब तक आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी कहीं नहीं मिलेगा। आप ये सोचते हैं कि अगर एफएमजी नहीं निकलता है उसके बाद मुझे लाखों यहां मिलेंगे इंडिया में, तो कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। आप अगर दिल्ली में आइए और जाकर के हॉस्पिटल वगैरह में ज्वाइन करिए तो आपको 30,000-35,000 से ज्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। बहुत ही, मतलब कहा जाए तो कम कॉस्ट मिलता है, एज अ लेबर जैसा ट्रीट करते हैं। बेटर यही है कि एफएमजी निकालिए, और जब भी एमबीबीएस जा रहे हैं तो अपने रिस्क पे जाइए कि हाँ
आप अगर पास कर सकते हैं FMG एग्जाम, MCI एग्जाम तभी अब्रॉड जाइए, अगर नहीं कर सकते हैं तो मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे रिपीटर अभी भी यहाँ फंसे हुए हैं, बहुत सारे रिपीटर अभी भी यहाँ पे हैं क्योंकि FMG एग्जाम नहीं पास किए हैं। इस पे मैं ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि ऐसा क्यों होता है, तो ये वाला वीडियो को देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि असल में रिपीटर का रिजल्ट क्यों नहीं होता है या क्या इसका सीन है, वो सारा चीजें आपको इसमें समझ में आएगा। फिफ्थ मेरा पॉइंट इसमें ये है कि FMG एग्जाम के बारे में, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपको हर एक मोड़ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है, हर एक मोड़ पे धोखा दिया जा रहा है, और सबसे बड़ा धोखा ये दिया जा रहा है कि FMG एक स्क्रीनिंग एग्जाम है। हालांकि FMG एक स्क्रीनिंग एग्जाम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये स्क्रीनिंग जैसा एग्जाम है, क्योंकि जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो इतने आसान नहीं है। आज से 5-6 साल पहले जो क्वेश्चंस के लेवल थे और आज के जो क्वेश्चंस के लेवल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 5-6 साल पहले जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते थे, एग्जाम में टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे जाते थे, कोई भी नॉर्मल इंसान जो कि थोड़ा सा भी पढ़ता था वहां पे और यहाँ पे आके 2-4 महीना बढ़िया से पढ़ लेता था तो वो आसानी से एग्जाम क्रैक कर लेता था। लेकिन आज के जो लेवल जो है, कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसमें इतना ज्यादा स्टूडेंट्स एब्रॉड जाने लगे हैं, और तो उस चीज को कम करने के लिए, रिजल्ट को कम करने के लिए इतना क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई कर दिया गया है, उसके वजह से FMG एक स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं है, ये एक कॉम्पिटिटिव से कम नहीं है। हालांकि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो नीट PG के टक्कर का है, इवन नीट PG से भी हार्ड क्वेश्चंस आते हैं। जब आप इस एग्जाम, अगर आप किसी रिपीटर से जाकर पूछिए, किसी रिपीटर जो ऑलरेडी एग्जाम्स देते हैं उनसे कभी पूछिए, तो वो आपको बताएंगे रियलिटी क्या है इस एग्जाम्स के, इसमें मोस्टली स्टूडेंट पास क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि बहुतों को ये सारी चीजें पता होती है जो ऑलरेडी FMG एग्जाम 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। और अगर इस एग्जाम में एक बार आप लटक गए तो कोई भरोसा नहीं कि आप कब पास होइएगा, कब पास नहीं होइएगा, क्या है क्या नहीं है, इसका गारंटी नहीं है। तो आप अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस पे हैं, आप खुद से स्ट्रगल मेहनत कर सकते हैं और एक सही डायरेक्शन में हमेशा मूव ऑन करते जा रहे हैं कॉलेज के ड्यूरेशन से लेकर के टिल एंड तक, जब तक आपका डिग्री नहीं मिल जाता, तो 100% चांसेस है कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं मिस्टेक्स कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जैसे भी हो आपके सिचुएशन, जो भी आपके साथ हो, अगर एक बार रिपीटर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये एग्जाम आपके लिए एक बहुत बड़ा समस्या बन सकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी यहाँ पे लटके हुए हैं, अभी भी पास नहीं हुए हैं। सिक्स्थ मेरा पॉइंट इसमें है, वो ये है कि FMG एग्जाम के पासिंग परसेंटेज, ये कोई नहीं बताता है कि पासिंग परसेंटेज क्यों इतना कम है इस एग्जाम्स के। तो सबसे पहले इसके पीछे मैं आपको 3 ऐसे मेजर्स कारण बताऊंगा जिसके वजह से आपके FMG में जो पासिंग परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा कम है। तो जितने स्टूडेंट्स जाते हैं अप्रोक्स हर साल, एवरी ईयर जो अब्रॉड से इंडिया में वापस स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे लगता है जहां तक 10,000 to 15,000 स्टूडेंट हर साल डिग्री लेकर के आते हैं, वो डिग्री लेकर के आते हैं ज्यादातर जुलाई में, अगस्त में, या जून जुलाई या अगस्त में डिग्री लेकर के वापस आते हैं, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम देते हैं जो कि दिसंबर में होता है, और सबसे ज्यादा रिजल्ट जो होता है वो दिसंबर या जनवरी में जो एग्जाम्स होते हैं उसी ड्यूरेशन में होता है। उस वक्त जो रिजल्ट का रेशियो होता है, जो परसेंटेज होता है, वो 20% के आसपास होता है, वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है, और उस वक्त सबसे ज्यादा फ्रेशर्स रहते हैं, और फ्रेशर्स रहते हैं और सबसे ज्यादा फ्रेशर्स ही पास करते हैं। लेकिन फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट का एग्जाम होता है, FMG एग्जाम जो साल में 2 बार कंडक्ट होता है, एक जून में होता है और एक दिसंबर में होता है, तो जो नेक्स्ट वाला एग्जाम होता है, जो नेक्स्ट बार होता है जून में होता है, उसमें पासिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, जो कि 10% के आसपास है। मैं इस पे ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाइए और एनालिसिस पे है इसका, FMG रिजल्ट एनालिसिस में है, तो पूरा डिटेल वीडियो देखिए ताकि समझ में आएगा कि क्यों ऐसा होता है और क्या इसका कारण है। ये एग्जाम्स, सबसे पहले ये चीजें हैं कि रिपीटर का रिजल्ट बहुत कम होता है और पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। सेकंड इसमें कारण यह है कि बहुत सारे बच्चे जो न्यू हैं वो अभी अब्रॉड शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए हैं, अब्रॉड जाना स्टार्ट कर दिए हैं, और उस वजह से वहां से ज्यादा स्टूडेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये पासिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं करते, इसलिए क्योंकि इंडिया में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो कि ऑलरेडी मिनिस्टर्स के हैं, अगर पासिंग परसेंटेज बढ़ना स्टार्ट हो जाए तो कोई भी जल्दी एडमिशंस प्राइवेट कॉलेज में नहीं लेगा, स्टूडेंट बाहर और ज्यादा जाना स्टार्ट कर देंगे। इवन अभी बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट अब्रॉड जा रहे हैं MBBS करने के लिए, लेकिन फिर भी
इंडिया में जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहां पे स्टूडेंट एडमिशंस लेना बंद कर देंगे, तो इस चीज को शायद बचाने के लिए, ये मेरा एनालिसिस है, ये कोई डाटा वगैरह नहीं है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस ऐसा लगता है कि हो सकता है इस चीज को छिपाने के लिए, इस चीज को बचाने के लिए यहाँ पे रिजल्ट जो है वो फिक्स्ड है और रिजल्ट कम ही दिया जाता है। थर्ड जो है वो है कि असल में FMG का जो एग्जाम का पासिंग जो परसेंटेज वो फिक्स इसलिए है, और क्योंकि यहाँ पे जो सीट्स है जो कि FMG को इंटर्नशिप करने के लिए दिया जाता है आफ्टर पासिंग द एग्जाम, सो वो बहुत कम है, वो लिमिटेड है। जनरली इंडिया में जो स्टूडेंट MBBS करते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है, उसके बाद से जो सीट्स बचते हैं फिर FMG स्टूडेंट को दिया जाता है, तो रिजल्ट उतना ही बनता है जितना कि सीट्स इंडिया में मौजूद हो। ये सारी की सारी ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब एक सिस्टम वाइज सेट है इस चीज में, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। FMG जब एग्जाम आप दीजिएगा तो उस वक्त आपको टर्म एंड कंडीशंस एग्जाम देने से पहले बहुत सारे आपको टर्म कंडीशंस मिल जाएगा जो कि आप वहां पे टिक करेंगे, उसके बाद ही पेपर चालू होता है, उसके बाद ही आप एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप इस एग्जाम के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकते, आपको आंसर शीट नहीं मिलेगा, क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, जो पूरा चीजें हैं वो चारों तरफ से कैद है, आप इस एग्जाम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं। सेवेंथ मेरा इसमें जो पॉइंट ये है वो है कि टाइम ड्यूरेशन, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है इस वीडियो में, और ये सबसे ज्यादा आपको जरूरी है जानना कि टाइम ड्यूरेशन कितना एक्चुअल लगता है MBBS करने में। देखिए MBBS करने में जनरली हम इंडिया की अगर बात करते हैं तो 4.5 इयर्स में MBBS कंप्लीट हो जाता है और 1 ईयर में इंटर्नशिप हो जाता है, लेकिन FMG एग्जाम में हर एक मोड़ पे, हर एक जगह पे आपको समय एक तरह से कहा जाए तो बर्बाद ही होता है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ड्यूरेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाकर के पूरा MBBS हमारा कंप्लीट होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, वो सारी चीजें बात करते हैं। तो जनरली हम इंडिया में अगर नीट UG का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हर स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट, 1 से 2 अटेम्प्ट लगाता ही है और 1 से 2 साल उसका टाइम जाता ही जाता है। उसके बाद मान लीजिए इनकेस उसका एडमिशन हो जाता है इंडिया में तो बढ़िया है, अगर नहीं होता है तो फिर वो प्लान करता है एब्रॉड जाने के लिए। अब जब आप एब्रॉड जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस मिलते हैं वहां पे MBBS करने के लिए, 5+1 या 6+1। 5+1 और 6+1 का मतलब क्या है कि 5 ईयर कॉलेज का ड्यूरेशन और 1 ईयर इंटर्नशिप, या 6 ईयर कॉलेज का ड्यूरेशन और 1 ईयर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप अभी 1-2 साल पहले NMC का न्यू जो गजट आया था उसमें लागू हुआ है कि हर स्टूडेंट कोई भी कंट्री से अगर MBBS कर रहा है तो वहां से उसको 1 ईयर का इंटर्नशिप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आकर के इंडिया में FMG एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर 1 साल और इंटर्नशिप करना है। तो 5+1 या 6+1 ये हो गया आपका कॉलेज का ड्यूरेशन। इन केस अगर आप सारी चीजें वहां पे हर सब्जेक्ट्स जो है वो सही टाइम पर कंप्लीट करते जाते हैं और आगे सेमेस्टर में आप जाते हैं, तब अगर बाय द वे मान लीजिए आपका 1 सेमेस्टर बैक हो गया या 2 सेमेस्टर बैक हो गया तो यहाँ पे भी 1 साल और ज्यादा एक्स्ट्रा लग जाएगा। हालांकि ऐसा वहां पे नहीं होता है, बहुत कम ही मतलब परसेंटेज है जो कि 1% या 2% ही स्टूडेंट जो कि जिनका सेमेस्टर बैक वगैरह होता है, या मोस्टली स्टूडेंट 99 या 98% स्टूडेंट अपना आराम से सेमेस्टर पास कर जाते हैं। तो 5+1 या 6+1, 7 ईयर या 6 ईयर टोटल ड्यूरेशन आपका वहां लग रहा है। उसके बाद जब आप वहां से आते हैं तो फिर 6 मंथ आपको वेट करना पड़ता है। 6 मंथ या तो आप प्रिपरेशन करिए या प्रिपरेशन मत करिए, जो भी करिए उस ड्यूरेशन में आप प्रिपरेशन करते हैं और FMG के एग्जाम के लिए फिर देते हैं। मान लीजिए इनकेस आपका रिजल्ट हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, और रिजल्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद आपको 6 मंथ तक अप्रोक्स वेट करना पड़ता है, डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट के ऊपर। और अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए आप ट्राई करते हैं, थर्ड अटेम्प्ट के लिए ट्राई करते हैं। इसमें जो है वो जनरली सभी स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अप्रोक्स उसमें से 10% या 20% ही स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो पाता है, लेकिन मोस्टली 80% स्टूडेंट जो है वो सेकेंड अटेम्प्ट या थर्ड अटेम्प्ट, इवन फोर्थ अटेम्प्ट, या इवन बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं भी होता है। तो मेजोरिटी जो है वो 80% स्टूडेंट का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है। तो हम जनरली इसमें हम 2 साल का गैपिंग लेकर चलते हैं। 2 साल में मान लीजिए आप FMG एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, या इवन 1.5 ईयर में या 1 ईयर में मान लीजिए आप FMG एग्जाम क्रैक कर रहे हैं, 2 अटेम्प्ट में क्रैक कर रहे हैं, तो 2 साल आपको नीट में लगा, 6 ईयर और 7 ईयर आपको कॉलेज का ड्यूरेशन में लगा, 2 साल आपको
जो एग्जाम स्टार्टिंग में कर रहे हैं प्रिपरेशन और एग्जाम दिए, फिर उसके बाद 6 महीना तक आपको वेट करना पड़ता है पेपर लेने के लिए, डॉक्यूमेंट क्लियर करने के लिए और इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। ये टोटल ड्यूरेशन आपका 2 साल इधर हो जाता है। फिर उसके बाद आपको 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट करना है। इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद फिर आपको 2-3 महीना तक वेट करना पड़ता है परमानेंट के लिए। ये सारी जो ड्यूरेशन है, ये सारी समय है, ये सारा आपको ले देके आपको 10 साल से भी ज्यादा लग जाते हैं। ये कोई भी नहीं बताता है कि MBBS एब्रॉड से करने के लिए हमें 10 साल का समय चाहिए। हर कोई ये बताता है कि 4.5 साल 5 साल 6 साल लास्ट बताता है कि 6 साल में आप डिग्री लेके आ जाओगे और यहाँ पे डॉक्टर बन जाओगे, आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि 10 साल भी लग सकते हैं। 10 साल लग नहीं सकते हैं, 10 साल जेन्युइन है और हर स्टूडेंट का इतना ड्यूरेशन लगता है। आपके सामने ही मैं मान लीजिए गिनवा दिया, चलिए आप नीट वाला हटा दीजिए, नीट का जो ड्यूरेशन था 2 साल का वो हटा दीजिए, सिर्फ MBBS का ड्यूरेशन ही अगर आप कैलकुलेट करते हैं, 6 ईयर आप वहां पे समय कॉलेज के अंदर गुजार रहे हैं, फिर 1 ईयर में मान लीजिए आप FMG निकाल रहे हैं तो ये हो गया 7 ईयर, 1 ईयर इंटर्नशिप फिर कर रहे हैं 8 ईयर और 1 ईयर आपको एक्स्ट्रा समय लग जा रहा है डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने में, इंटर्नशिप ज्वाइन करने में, ये सारी समय आपको 1 ईयर के आसपास लग जाता है। डिफरेंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स के अंदर आपको 8 मंथ के अंदर मिल जाएगा, कुछ स्टेट के अंदर 1 ईयर लग जाएगा। तो ये अभी आप ये देखिए कि टोटल 9 ईयर है, 9 ईयर आपको टोटल अगर आप समय से समय सब कुछ करते जाते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में FMG आप क्लियर कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाती है, तब इतना लग रहा है। लेकिन इन केस अगर आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट इवन 4 अटेम्प्ट होने जा रहा है तो ये ड्यूरेशन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो जनरली MBBS एब्रॉड से करने के लिए आपको 10 साल का समय चाहिए। अब 10 साल आपको समय चाहिए तो सबसे पहले आपको अपने फैमिली से, अपने अपने परिवार में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने की जरूरत है, क्योंकि 10 साल तक आप कोई इनकम नहीं करने वाले हैं। ये एक लोअर क्लास और मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा एक सवाल है। हम आम तौर पे यही सोचते हैं कि 4-5 साल समय हम चलिए गुजारते हैं, MBBS कर लेते हैं, फिर उसके बाद से आकर अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे, घर के अपने हालात सुधारना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक बार अगर आप इसमें फंस गए तो आपको 10 साल तक आप भूल जाइए कि आप कोई अर्निंग भी करने वाले हैं। आपको जॉब्स का ऑफर्स मिल सकते हैं, जॉब आप कर सकते हैं, वो भी बिना रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन वो एक वैलिड नहीं है। एक बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपका को तो फिर एग्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा, आपका लाइसेंस वगैरह जितना भी है कभी भी परमानेंट में आप जा ही नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये टोटल जो चीज मैंने बात बताई है, 7 पॉइंट जो आपके सामने रखी है, ये कोई नहीं बताता है। इवन बहुत सारे आप यूट्यूब पर वीडियोस भी देखेंगे जो कि कोई रियलिटी एक्सपोज नहीं करता है, रियलिटी बताना नहीं चाहता है। मैं MBBS किर्गिस्तान से किया और मुझे अप्रोक्स अभी 9 to 10 ईयर के आसपास होने जा रहा है। इवन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कि उनका भी समय इतना लगा है, और बहुत सारे दोस्त अभी ऐसे हैं जो कि पास नहीं हुआ है, शायद उनका 1-2 साल और ज्यादा भी समय लग जाए टोटल ये चीज कंप्लीट करने में। तो ये जो रियलिटी है ये मैं आपके सामने बताया और रखा कि मुझे इंडिया से एब्रॉड जा करके MBBS करके FMG एग्जाम क्लियर करने तक क्या क्या इसमें चीजें हैं जो कि आमतौर पर स्टूडेंट को बेवकूफ बनाया जाता है, ये सारी चीजें वही बता सकता है आपको जो कि ऑलरेडी वहां पे गया हो, वहां से पढ़ के आया हो और जो एडमिशंस ना कराता हो। सबसे पहले जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशंस करवाते हैं वो आपको ये सारी चीजें नहीं बताएंगे, कंसल्टेंट आपको ये सारी चीजें नहीं बताएगी, फैकल्टी आपको ये सारी चीजें नहीं बताएगी। मुझे आपसे कोई लालच नहीं है, मैं एडमिशंस वगैरह नहीं कराता हूँ। मैं जनरली आपको अगर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मतलब इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और वहां पे आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी MBBS एब्रॉड या FMG रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके मन में है, जैसे टाइम मिलेगा मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन मैं एडमिशंस वगैरह का काम नहीं करता हूं, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ आपको मैं इसमें झूठ बोलूं। मैं चाहता तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें जो मैंने बताई है, जो एक्चुअल है, जो रियल है, वो शायद नहीं बताता और बहुत लोग नहीं बताते हैं। जो स्टूडेंट ऑलरेडी एडमिशंस करवाते हैं वो आपको ये चीजें नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर वो चीजें बताना स्टार्ट कर देंगे तो आप उनसे एडमिशंस नहीं करवाइएगा। कंसल्टेंट आपको नहीं बताएगा, अगर कंसल्टेंट बताना स्टार्ट कर दिया तो आप फिर उनसे एडमिशंस नहीं लेना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको
मतलब पसंद आया हो कमेंट जरूर करिएगा कि इसमें कौन सी पॉइंट्स आपको रियल लगा, कौन से पॉइंट्स पर क्या है, जो भी आपका ओपिनियन वगैरह है उस चीज पे आप कमेंट करिए, ताकि कमेंट जब आप करिएगा, क्वेश्चंस जब आप रेस करिएगा, तो उस पे फिर मैं नया जो टॉपिक होगा कि हाँ बच्चों के अंदर ये क्वेश्चंस है, ये डाउट्स है, फिर मैं उस पर नया एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा उन दोस्तों में जो MBBS अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हैं, जो जाना चाहते हैं, ताकि वो वीडियो को एक बार देखें और समझें, फिर उसके बाद ही वो प्लान करें। मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए और इस पे आपको MBBS अब्रॉड और FMG रिलेटेड, इवन MBBS और मेडिकल फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे ऐसा आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा जो कि आपको आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो पेज को फॉलो भी कर लीजिएगा, वहाँ मैं रील्स वगैरह भी डालता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।